कहाँ नजर आ रही हैं पूर्णिमा नीरज सिंह? बैठकों से तो आप दूर रहती हैं। नहीं, बैठकों से दूर रहती हूँ क्योंकि आप देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। कभी बैठक को इन्फॉर्म किया जाता है कि कल बैठक है सुबह 10 बजे, आपने कार्यक्रम दिया हुआ है क्षेत्र में, अब क्षेत्र में लोगों को नाराज कीजिए। आप शायद प्रभारी को और CLP को समझा सकते हैं लेकिन क्षेत्र में लोगों को कैसे समझाएंगे कि आपने कार्यक्रम क्यों छोड़ा? उनके लिए वो पॉलिटिक्स महत्व नहीं रखती है, उनके लिए उनका समय महत्व रखता है और मुझे उसकी इज्जत रखनी पड़ती है, इसलिए कार्यक्रम मिस हो जाते हैं। बाकी और कोई बात नहीं है। खबर है कि विधायकी का जो फॉर्म है वो आपने नहीं भरा? कुछ नहीं, खबर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। नहीं भरा मैंने फॉर्म, मैं सिटिंग MLA हूँ। वो फॉर्म जो है, जो उम्मीदवार नए आ रहे हैं उनके लिए है। बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को। आप लोग इसका पता नहीं क्यों तिल का ताड़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। नाराजगी तो नहीं है ना? नाराजगी अगर होगी तो क्या करेंगे आप बताइए। चंपाईदा के बारे में मैं नहीं बोल सकती, वो JMM से है, मेरी पार्टी से नहीं है, काफ़ी बड़ी शख्सियत है, मेरा नहीं है उनके बारे में कोई भी उनके बारे में कुछ भी कह पाना, कोई टिप्पणी करना, वो मेरे दायरे से बाहर की बात है। शक्तियों के लिए बड़ी सौगात राज्य सरकार ने जी, काफ़ी बधाई भी आप महिला विधायकों। आप लोगों को बताती हूँ कि पोषण सखियों की बहाली 2016 में हुई, उस समय की केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही थी। इन्होंने 6 जिलों में 10,388 मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर है इनकी बहाली की, और हमारी सरकार जब आती है तो केंद्र सरकार का जो अनुदान था इसमें उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये हो गया कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे, कि इनका जो है जो प्रश्न था वो लगातार विधानसभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे मिलवाकर इन्होंने जो है काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया, उसमें भी हम लोगों ने बहुत समझाया, बहुत कुछ किया। हम लगातार इनके साथ लगे रहे और ये विश्वास दिलाते रहे कि आपकी बहाली ज़रूर होगी, आज कल परसों होगी, क्योंकि जब केंद्र सरकार हाथ खींच लेती है तो राज्य सरकार को देखना पड़ता है कि पैसा आएगा कहाँ से। हम अगर देने जा रहे हैं 10,000 महिलाओं को पैसा तो वो कहाँ से आएगा? तो इसको देखते हुए आज राज्य सरकार ने फाइनली जो है ये फैसला ले लिया कि इनकी जो है पुनर्बहाली होगी और 3,000 रुपये महीना जो इनको मिलता था बच्चों का जो पोषण का जो देखने के लिए कार्यक्रम के लिए उस ये इनको मिलेगा। बिल्कुल उठाए थे इसको, जैसे हमने बाकी लोगों की बात उठाई और अभी तो आपके सामने उदाहरण है, मैंने प्रश्न किया भी था और बिना किसी के बोले किया था, क्योंकि जब आप क्षेत्र में निकलते हैं और डे टू डे आपको विशेष करके जो ऊर्जा विभाग से ऐसी परेशानियां आती हैं कि बार बार जो आउटसोर्सिंग पे रख लिया जाता है लोगों को और कार्य नहीं होता है, उसको देखते हुए मैंने ये प्रश्न उठाया था और आज मैं यहाँ प्रोजेक्ट भवन आई तो मुझे एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है, इस पर भी मैं आगे कार्य करूँगी।